कमांगणी देवी सजन मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज अपना है राजेश टोयोटा टोंक रोड जयपुर में। तो अपने पास जो गाड़ी है वो है टोयोटा की ग्लांजा, और कुछ इस तरीके से अपने को फ्रंट प्रोफाइल मिल जाती है, मैरून कलर के अंदर मिल जाती है, और इसकी खासियत भी बहुत शानदार है। वो भी आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आते हैं तो आपको फोगलैम मिल जाता है, उसी के साथ में आपको क्रोम फिनिशिंग है वो अपने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टो हुक मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ग्रिल आ जाती है। अब आते हैं इसके हेडलाइट पे, तो हेडलाइट अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डीआर मिल जाएगा, उसी के साथ में सेंटर में आपको इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी और सेंटर में आपको जो टोयोटा का लोगो है वो अपने को मिल जाता है, और कुछ इस तरीके से इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाती है। अगर बात करें ना इसकी विर्थ की, तो 1745 mm अपने को इस गाड़ी की विर्थ है वो मिलने वाली है, और उसी के साथ में अपने को जो अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपने को कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी बात करें हम इसके एलॉय व्हील की, तो कुछ इस तरीके से आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, वो भी आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। मैंने इतनी गाड़ियाँ देखी जिसमें पहली बार किसी कंपनी ने अपने जो बॉडी कलर में आपको एलॉय व्हील है वो दिए गए। से फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वहीं आपको रियर में ड्रम ब्रेक है वो मिल जाते हैं। 16 इंच के आपको व्हील मिल जाते हैं। वहीं आपको टायर साइज़ की बात करें ना, तो 195/55R 16 इंच के आपको टायर है वो अपने को मिलते हैं। अब आते हैं इसका साइड व्यू मिरर पे। साइड व्यू मिरर में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा का जो कैमरा है वो आपको एक यहाँ पर मिल जाता है, और एक जो कैमरा है वो आपको फ्रंट में मिल जाता है। इसी के साथ में इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाता है। साइड डोर की बात करें तो जो इसके डोर है वो आपको इसके क्रोम फिनिशिंग में मिल जाते हैं। उसी के साथ में एक रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी अपने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए स्पेस है वो मिल जाता है, और उसी के साथ में पीछे की तरफ आपको डोर हैंडल में भी आपको क्रोम है वो मिलता है। अब बात करें पीछे के टायर की, तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक है वो मिल जाते हैं, और ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एंटीना मिल जाता है, जो इसमें आपको नॉर्मल एंटीना है वो अपने को मिल जाता है। पीछे तरफ आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको टेल लाइट मिल जाती है। इसमें हेलोजन प्लस LED का सेटअप है वो अपने को पूरी तरीके से मिल जाता है। अगर बात करें इसके बूट स्पेस की, तो आपको इसके अंदर 317 लीटर का बूट स्पेस है वो अपने को मिल जाता है, और बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी डीप मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको सामान वगैरह रखने के लिए दिक्कत नहीं होने वाली, और सामान भी आपको अच्छी खासी कैपेसिटी के अंदर इसमें सामान आ जाता है। और यहाँ पर आपको जो पार्सल ट्रे है वो भी मिल जाती है। एक कैमरा आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, तो क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, तो एक कैमरा आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्लांजा की बैजिंग मिल जाएगी, उसी के साथ में वी आपको जो इस गाड़ी का टॉप मॉडल है उसकी बैजिंग भी मिल जाती है। सेंटर में आपको कंपनी की टोयोटा का जो लोगो है वो भी अपने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाला है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें ना, तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो अपने कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई है। अब चलते हैं पर गाड़ी के अंदर की तरफ। जैसे गाड़ी का डोर खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर का ट्रिम है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, और नीचे तरफ आपको सॉफ्ट टच है वो मिलेगा। चारों पावर विंडो मिल जाएगी, जिसमें ड्राइवर साइड में आपको वन टच अप डाउन का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। डोर अनलॉक के बटन है, वहीं आपको साइड व्यू मिरर है, उसका एडजस्टमेंट के बटन है वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे तरफ स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ट्विटर है वो भी आपको मिलने वाला है। एक बोतल होल्डर है मिल जाएगा, बोतल रखने के लिए स्पेस है, और थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस है वो अपने मिल जाएगी। सीटें आपको काफ़ी कुछ नहीं सीटें है वो मिलने वाली है, उसी के साथ में हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम मिलेगा, बैक सपोर्ट, और वही आपको सीटें आगे पीछे करने के लिए स्पेस है वो भी आपको मिलता है। अब आते हैं गाड़ी के AC वेंट पे, तो AC वेंट आपको कुछ इस तरीके से आपको AC वेंट है वो देखने मिल जाती है। AC वेंट के आपको ऊपर की तरफ आपको इसमें ब्लैक पियानो फिनिशिंग वो मिल जाएगी, और नीचे की तरफ आपको 360 डिग्री कैमरा उसका बटन से, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपके HUD डिस्प्ले का बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें हेड्स ऑफ डिस्प्ले वो मिलती है जो यहाँ पे अपने ऊपर की तरफ होती है। यहाँ पे आपको जो इसका मीटर के जो ब्राइटनेस के बटन है वो दो बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके हेडलाइट की, हेडलाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने मिल जाती है, जिसमें आपके ऑटो का ऑप्शन है वो इसके अंदर मिल जाता है। वहीं आपको वाइपर के लिए आपको ऑटो का ऑप्शन है वो नहीं मिलता। कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, स्टेयरिंग है वो आपको सॉफ्ट टच के अंदर आता है, और राइट में आपको इसके क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड बटन है वो मिल जाते हैं, और वहीं आपको लेफ्ट में म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड बटन है वो मिल जाते हैं। सेंटर में आपको एयरबैग मिल जाएगा, उसी के साथ में कंपनी का लोगो वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉल अटेंड करने, कॉल काट रहे, और आपको वॉइस कमांड से रिलेटेड बटन है वो अपने को इसके अंदर मिल जाते हैं। स्टेयरिंग है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के ऑप्शन के साथ में आपको स्टेयरिंग है वो अपने मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले है दोनों अपने को गाड़ी के अंदर मिलते हैं। कुछ इस तरीके से अपने को चाबी मिल जाती है, जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको जो कंपनी का लोगो है टोयोटा का वो मिल जाता है। एक बार आपको इसका 360 डिग्री कैमरा है वो भी आपको ऑन करके जरूर दिखाता हूँ। जैसे हम इसका कैमरा ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको पहले लोगो आता है, और उसके बाद में जो 360 डिग्री कैमरा है
वो आपको दिखाई दे जाता है। तो एक बार ये पूरा इसका राउंड है वो दिखाएगा, और उसके बाद में आपको आगे पीछे जो भी आपको साइड देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसी के साथ में इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, वो दोनों इसके अंदर मिल जाता है। अगर बात करें स्पीकर्स की, तो गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 टूटर मिल जाते हैं, उसी के साथ में 6 एयरबैग है वो अपने को इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर बात करें मीटर की, तो आपको इसमें एनालॉग मिल जाता है, उसी के साथ में सेंटर में आपको डिजिटल स्क्रीन है वो मिल जाता है। राइट में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगी, वही आपको लेफ्ट में आपको आरपीएम मीटर है वो मिल जाता है। आरपीएम के नीचे आपको इसका टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा, वहीं आपको स्पीडोमीटर में नीचे आपको फ्यूल गेज है वो मिल जाता है। सेंटर में आपको डिस्प्ले दिख रही होगी, जिसमें आपको इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो टोर्क है वो दिख जाएगा, पावर दिख जाएगी, यहाँ पे ब्रेक वगैरह है वो भी इसके अंदर मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको MID है, मतलब टोटल गाड़ी कितनी चली वो दिख जाएगी। यहाँ पे आपको एवरेज है, इकोनॉमी वो आपको मिल जाती है। और जो अभी ये कितना किलोमीटर चलने वाली है वो आपको 90 किलोमीटर की रेंज है वो आपको अभी यहाँ पे दिखा रही है कि 90 किलोमीटर इस फ्यूल में और चल सकती है। अब आते हैं इसके सनवाइजर पे, तो सनवाइजर आपको कुछ इस तरीके मिल जाते हैं। जो आपको राइट लेफ्ट साइड के सनवाइजर है उसमें आपको वैनिटी मिल जाती है, उसी के साथ में आपको लाइट भी मिलती है। और राइट साइड के सनवाइजर में भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, और यहाँ पे आपको लाइट वगैरह वो भी आपको साथ में मिलती है। IRVM वो आपको ऑटो के साथ मिलता है, डे नाइट के साथ में। और रूफ लाइट है वो आपको हैलोजन में मिल जाती है। नीचे तरफ आते हैं तो AC वेंट कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, उसी के साथ में आपको AC के कंट्रोल है वो आपको ऑटो AC है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, उसी के साथ में 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। वायरलेस चार्जिंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन आपको फोन रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और 5 स्पीड प्लस 1 रिवर्स का गेयरबॉक्स है वो आपको सेंटर में मिल जाता है। हैंड ब्रेक के लिए आपको हैंड ब्रेक यहाँ मिल जाता है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ क्रोम फिनिशिंग है वो आपको जरूर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट है वो गाड़ी के अंदर मिल जाता है। गाड़ी में टोटल 4 हेडरेस्ट वो मिल जाएगा, और आपको चारों हेडरेस्ट वो आपको एडजस्टेबल करने का ऑप्शन है वो अपने को मिलता है। ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे आपको जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग है वो मिल जाएगी, नहीं यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ग्लो बॉक्स है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल जाता है, पर आपको ग्लो बॉक्स के अंदर सामान रखने के लिए स्पेस है ना भाई, वो बड़ा भर भर के स्पेस वगैरह है वो अपने को दे दिए गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ तो जा के देखते हैं भाई कितना क्या स्पेस वगैरह है, वो भी जेवर आपको जरूर दिखाते हैं। पीछे के डोर ट्रिम में आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएंगे, पावर विंडो स्विच वगैरह, स्पीकर वगैरह, और ये मतलब जो चीजें होती है नॉर्मल वही आपको मिल जाती है। सीटें 3 लोगों के बैठने के लिए पीछे स्पेस है वो मिल जाएगा, 2 हेडरेस्ट वो एडजस्ट मिल जाएगा, बीच में आपको जिसके सीट नहीं है मतलब छोटा बच्चा वगैरह है वो आप पीछे की तरफ बैठा सकते हैं। आगे की सीटें एडजस्ट करने के बाद भी पीछे स्पेस है ना भाई, वो बड़ा भर भर के स्पेस दिया गया है, मतलब आप पैर फैला के आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे के लिए AC वेंट मिल जाएंगे, और 2 चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। चार्जिंग पॉइंट आपको 2 आगे मिल जाते हैं, 2 पीछे मिल जाते हैं, तो मतलब चार्जिंग पॉइंट है वो काफी मिल जाते हैं। रूफ में आपको ये हेलोजन लाइट है वो मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपको पीछे का प्रोफाइल है वो मिल जाता है। हैंडल है वो आपको गाड़ी में टोटल 3 हैंडल मिल जाएंगे, और ड्राइवर साइड में आपको हैंडल है वो जरूर नहीं मिल जाता, पार्सल ट्रे मिल जाएगा, और वहीं आपको पीछे की तरफ ये तो एसेसरीज के तौर पे लगा रखा है, पर आपको पार्सल ट्रे वो आपको इसमें जरूर मिलने वाली है। तीनों सीटों सीट बेल्ट है वो मिल जाएंगी, और सामान वगैरह भी टांगने के लिए हुआ क्या नहीं वो तो नहीं है, पर आपको एयर बैग है वो पीछे की सीट पे नहीं मिलता, पर आगे आपको टोटल 6 एयर बैग वो आपको आगे आगे दे दिए। पीछे की तरफ भी यार एयर बैग तो देने ही चाहिए थे। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का पूरा प्रोफाइल है वो मिल जाता है। अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो राजेश टोयोटा टोंक रोड जयपुर में आ सकते हैं, और बाकी यहाँ के नंबर वगैरह है वो भी मैं स्क्रीन वगैरह पे शो कर दूंगा। तो आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।